मां काली के फिल्मी पोस्टर के बाद भगवान शंकर की आपत्तिजनक तस्वीर छापने का मामला सामने आया है। ये आपत्तिजनक तस्वीर केरल की मैगजीन द वीक में प्रकाशित की गई है। इसको लेकर पूरे देश में विवाद गरमाता नजर आ रहा है। इसी बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में द वीक मैगजीन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता प्रकाश शर्मा ने मैगजीन के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा नेता ने कहा कि मैगजीन ने भगवान शिव और मां काली की आपत्तिजनक फोटो छापी है। उन्होंने सेंट्रल स्टेशन के एक बुक स्टॉल से 24 जुलाई को प्रकाशित हुई द वीक मैगजीन खरीदी। मैगजीन के 62 और 63 पेज पर भगवान शिव और मां काली की आपत्तिजनक फोटो छपी हुई थी। ऐसी तस्वीरें हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैगजीन ने 24 जुलाई के अंक में हिंदू देवी मां काली को लेकर एक लेख छापा है। इस लेख में भगवान शंकर की जो तस्वीर छापी गई है उसे आपत्तिजनक और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं की अपमानजनक तस्वीर छापने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में इंग्लिश मैगजीन द वीक के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई है। प्रकाश शर्मा ने पत्रिका के संपादक और प्रशासनिक प्रबंध पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। भगवान शिव और मां काली का जानबूझकर अपमान करने से भड़के बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शहर के बड़ा चौराहा पर इस मैगजीन की प्रतियां जलाई और पत्रिका के संपादक और अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा प्रकाश शर्मा ने। अभी अंग्रेजी की एक पत्रिका है जिसने भगवान शंकर और देवी काली का एक नग्न चित्र अपने पत्रिका में पृष्ठ क्रमांक 63 पर छापा था, उसके विरुद्ध कल मैंने यहाँ एक मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज कराया है। कानपुर की बजरंग दल की टीम को जब यह जानकारी हुई तो वह सारे लोग आज उस वीक पत्रिका का पोस्टर जलाने और उनको बताने के लिए कि इस प्रकार की अपमानजनक स्थिति सहन नहीं होगी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से भी और सरकार से यह मांग है कि ऐसी पत्रिका के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि IPC की धारा 295A के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी को इन आरोपों की उचित ढंग से जांच करने और उनके मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। शर्मा ने कहा कि पत्रिका ने भगवान शिव और मां काली की आपत्तिजनक फोटो प्रकाशित की है और जानबूझकर हिंदुओं की, खासकर भगवान शिव और मां काली के भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आपत्तिजनक कृत्य के लिए जिम्मेदार एडिटर और अन्य लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। शर्मा ने कहा कि पत्रिका में पेज नंबर 62 और 63 पर एक आपत्तिजनक लेख प्रकाशित किया गया है जिसमें भगवान शिव और मां काली की अभोषणीय तस्वीरें छपी हैं। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इस पत्रिका पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। शर्मा ने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीर छापी हो या उनका मजाक उड़ाया हो, बल्कि ये एक चलन सा बन गया है। कानपुर से जनहित टाइम्स के लिए अंकित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।